यहाँ से ये रोड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पीड पे होगा वो, इधर काम चल रहा है ना सारा। वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो यार होली हो चुकी है, होली के बाद यार थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा आलस वाला टाइम आ जाता है। तो अभी मैं घर पे बोर हो रहा हूँ क्योंकि घर वाले भी कहीं ना कहीं लोगों से मिलने गए, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा कहीं घूम के आऊँ। तो यार अभी मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, वो यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, मेरे साथ गौरव भी जा रहा था। और अभी हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, देखो एकदम जूते वूते पहन उनके बिल्कुल रेडी हूँ। मैं यहाँ से बस निकलने वाला हूँ, अभी कॉल आएगा गौरव का, मैं उसको पिकअप करूँगा, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे। तो यार अभी हम निकलते हैं। तो गौरव हमको मिल चुका है, बड़ी मुश्किल से मिला ही हमारे पीछे गौरव। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है यार बाहर, घर पे सारे लोग चले गए थे, मैं अकेला बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा घूम के भी आऊँ। और वहाँ पर लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। काफ़ी अच्छा एरिया है, नदी वगैरह है, प्यारा लगता है। अभी मैं जा रहा था तो यार रास्ते में मैंने ये देखी थी यार, ये ट्राली पलट चुकी, पता नहीं कैसे पलटी थी, कैसे पलटी थी ट्राली, कैसे पलटी थी नहीं पता, तुम्हें पता है? ये रोड तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं कैसे पलट गई है। हाँ यार बिल्कुल ही पलट गई है, तो ऐसा लग रहा है जैसे जानू उसकी पलटी हो है। यहाँ से ये रोड तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पीड पे होगा वो, इधर काम चल रहा है ना सारा बीडीए का, तो स्पीड पे लाए होंगे ट्राली, एक साथ मोड़ी होगी तुरंत ही पलट गई होगी। चलो यार अभी हम आगे चलते हैं। राजीव मेरे को अपने गांव में कोई लोकेशन पे लाया है, ये नदी है सामने, एक कौन सी नदी राजीव? कैलाश, ये कैलाश नदी है, काफ़ी यहाँ का साफ पानी है बिल्कुल एकदम। अभी आप इसमें देखोगे आपको वापस से अपना फेस दिख जाएगा। अभी मौसम यहाँ पे थोड़ा गर्म है, यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, वैसे तो 4 बज गया लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा हो गई है, तो 4 बजे भी मौसम गर्म रहता है। तो ये आप देखो ये सामने नदी है, बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है, लेकिन मेरे को वहाँ पर कुछ दिख रहा है, वो मेरे को नाम नहीं पता है क्या है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये राजीव इनका नाम क्या है, ये क्या है, ये है अच्छा हंस है ये, हाँ हंस, हंसों की जोड़ी है ये। घास बड़ी असली दिख नहीं रहा दूर से, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये देख आपको दिख रहा होगा हंस ये। यार कितने प्यारे लग रहे हैं, पास से पकड़ दो ना, थोड़े आगे बढ़ जाएंगे जल्दी, अच्छा हंस आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा, हम आपको कोशिश करेंगे पास से दिखाएं हंस को, क्या बोलते हैं सारस, सारस थोड़ा हम करीब आ गए हैं, अब करीब से देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम जैसे जैसे उनके पास जा रहे हैं वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हमसे भी चालाक लग रहा है, काफ़ी है, पाँच छः हैं, हैं अच्छा ये मतलब इकट्ठे ही रहते हैं, मतलब इनकी अटूट दोस्ती है, हैं यहाँ पे पानी फानी ना हो, ये हमको कहाँ ले आए जंगल में, ये देखो आपको यहाँ से दिख रहे होंगे। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जब हम वहाँ पर थे उस जगह पे हम थे तो ये यहाँ पर थे, हम यहाँ पर आ गए वो और आगे चले गए, अभी आगे जाएंगे तो ये और उधर चले जाएंगे, इससे अच्छा हम बैक चलते हैं। यहाँ पे यार गर्मी बहुत पड़ रही है, मसूर की दाल होती है, ये मसूर की दाल है,
ये सारे मसूर है, ये सरसों है। अच्छा ये तो सरसों पता, ये मसूर की दाल है यार, मसूर की दाल नहीं पता थी मेरे को। अच्छा साबुत मसूर होती है, फिर इससे चक्की से मसूर की दाल बनाई जाती है। हाँ ये तो कच्ची है अभी, ये दिख रही नहीं, लगेगा 15-20 दिन लगेगा, पक जाएगी। अच्छा ये मसूर की दाल है, देखो मसूर की दाल का पेड़ है ये। अरे ये तो मसूर ही मसूर है, नदी किनारे मसूरी होती है। अच्छा बहुत अच्छी होती है, ये हमको नहीं पता था ये मसूर की दाल है। तो ये कच्ची थोड़ी यूज होती होगी, अभी तो ये तैयार हो रही है। अच्छा ये ऐसी हो जाएगी, ये सूख गई, हो जाएगी सूख के। हाँ इसमें ये दाना निकलेगा, देखो ऐसे ये है, ये देखो दाना आया मसूर का। अच्छा जो मसेला, मसेला अच्छा मसेला। हाँ तो ये ले कौन जाए, किसके अंडर में आई है? जिसका खेत होगा वो ले जाएगा। अच्छा ये यार ये तो सरकारी जगह लग रही है। नहीं नहीं खेत है। अच्छा ये सरकारी जगह नहीं है ये, ये तो नदी की जगह लग रही है। खेत है मेरे भाई, ऐसा है इसके अंदर खेत है लोगों के। अच्छा इधर उधर चलती रहती है ना, कटान ले लेती, बाढ़ आती है तो। अच्छा जैसे एरिया बढ़ जाता है तो लोग खेत भी काट लेती है। अब उधर वाले काटेंगे तब वो इधर इधर वाली कब, जैसे उधर भी अभी तो काफी लंबी है ये। अब जैसे नदी ने वो काट ले खेत, जैसे आप देख रहे हैं ये तो अभी यहाँ पे काफी गंदा पानी है, लेकिन उस साइड में आपको दिखाता हूँ काफी साफ पानी है। आप फेस देख लेंगे, नीचे का जो रेता होता है, नहीं नहीं यहाँ पे चढ़ाता रहता होगा ना कोई, तो उठा लेना। अभी रख लेता, 2 रुपये मिल गए, 4 थे। ये देखो कितना साफ पानी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ पानी है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पानी है नहीं, क्योंकि नीचे का जो रेता है ना वो इतना क्लियर दिख रहा है, पानी लग नहीं रहा है। इसमें मछलियाँ क्या ये हैं? ये तो छोटी वाली मछली लग रही है, ये देखो कीड़ों की तरह मछलियाँ लग रही हैं। यार अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को, आपको मेरा फेस देख के पता चलेगा कि इतनी बुरी हालत हो गई है। तो यार अभी हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।